करीब 15 करोड़ साल पहले जब डायनासोर का ज़माना हुआ करता था, तब उन पक्षियों के पूर्वज आसमान में उड़ान भरा करते थे जिन्हें आज हम इन पक्षियों के रूप में जानते हैं, जिनकी नुकीली चोंच है, कमाल के पंजे हैं और ज़बरदस्त पंख है। इस दुनिया में इन पक्षियों की लगभग 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो हर आकार और रूप में पाए जाते हैं। कुछ छोटे हैं लेकिन आक्रामक हैं, और वहीं कुछ बड़े और खतरनाक हैं। इन सभी आसमानी शिकारियों के पास इस धरती के सबसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं। शातिर ईगल और फैल्कन से लेकर पानी के पास रहने वाले गैनेट तक, निशाचर उल्लुओं से लेकर सड़ा हुआ मांस खाने वाले गिद्धों तक, या फिर धरती के सबसे बड़े पक्षी शुतुरमुर्ग तक, इनके पास वो सभी ज़रूरी हथियार हैं जिससे ये अपने शिकार को पकड़कर उसका मांस चीरकर खा सके। चोंच और पंजे कुदरत के इन खतरनाक शिकारियों के सबसे पसंदीदा हथियार हैं। नंबर 1, गैनेट। दोस्तों, स्कॉटलैंड के पथरीले तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले और साथ ही दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दूरदराज के द्वीपों और चोटियों पर ये अपना घोंसला बनाते हैं। उत्तरी अटलांटिक इनका घर है, जहां ये हजारों की तादाद में रहते हैं। ये उत्तरी अटलांटिक के सबसे बड़े समुद्री पक्षी हैं। ये करीब 3 करोड़ साल पहले ही विकसित हुए हैं, जो पूरी तरह से समुद्री जीवन के लिए ढल चुके हैं। इनके पंख लगभग 2 मीटर तक लंबे होते हैं और इनकी नाक मुंह के अंदर छुपी होती है, और इनकी इसी बनावट के कारण पानी से तेजी से टकराने पर भी इन्हें कोई चोट नहीं लगती। इन सभी चीज़ों से गैनेट को एक कमाल का शिकारी बनने में मदद मिलती है। ये खाने की तलाश में कई किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरते हैं। ये ना सिर्फ खुद की भूख मिटाते हैं बल्कि अपने बच्चों का भी पेट भरते हैं, जो कोई आसान काम नहीं होता। ये दूसरे पक्षियों की तुलना में सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ते हैं, और इनकी आंखों की बनावट से इन्हें दूरबीन जैसी नज़र मिलती है, जिससे ये मछलियों पर सटीक निशाना लगा पाते हैं। ये पानी की ऊपरी सतह पर लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करते हैं, और यही चीज़ इन्हें कमाल का शिकारी बनाती है। ये गैनेट उत्तरी अटलांटिक के हवाई हमलावर हैं, और इसलिए ये समुद्री दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी माने जाते हैं। उत्तरी अटलांटिक के ये हुनरबाज शिकारी अब ग्लोबल वार्मिंग के शिकार बनते जा रहे हैं। भोजन की कमी के कारण इन्हें हजारों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अपने जीवन को बचाए रखने के लिए इनके बच्चे अकेले और असुरक्षित ही पीछे छूट जाते हैं, जिससे गैनेट की आबादी में तेजी से गिरावट आती जा रही है। समुद्र में प्लास्टिक की तादाद बढ़ने से ये पक्षी जानलेवा चीज़ों से अपने घोंसले बना रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन पक्षी को बचाने के लिए US और कनाडा में इनके लिए कानून है, और दूसरी तरफ UK में वाइल्ड लाइफ एक्ट और कंट्री साइड के तहत इन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है। नंबर 2, फैल्कन। दोस्तों, इंसानी आबादी के लगभग हर महाद्वीप पर पाए जाने वाले ये शिकारी पक्षी खुली जगह और समुद्री इलाकों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये छोटे जरूर हैं लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। ये दुनिया के सबसे तेज हवाई शिकारी हैं। इस धरती पर लगभग 1 करोड़ सालों से फैल्कन की लगभग 40 प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती है। ये धरती के लगभग हर तरह के इलाकों में मिल जाते हैं। पैरागन फैल्कन दुनिया का सबसे तेज पक्षी है, जिसकी रफ्तार लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये शिकारी अपने बच्चों के लिए शिकार करते हैं। ये अपने बच्चों पर जान लुटाते हैं और उन्हें भरपेट खाना खिलाते हैं। ये जब बड़े हो जाते हैं तो ये अपने बच्चों को
शिकार करना और उड़ना सिखाते हैं, और 2 महीनों बाद ये हमेशा के लिए अपना घोंसला छोड़ देते हैं। इनकी नज़रें हम इंसानों से 8 गुना तेज होती है, और इनकी शक्ति और ताकत का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये पक्षी दिन में लगभग 6 घंटे तक शिकार की तलाश में उड़ते रहते हैं। उड़ते समय ये शिकारी अपने तेज नज़रों से छोटे जीवों को आसानी से देख लेते हैं। इनका सबसे पसंदीदा खाना छोटे स्तनधारी जीव हैं। ये हवा में तैरते हुए हमले के सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। जिसके बाद ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करते हैं। इनका हमला जितना कामयाब होगा उतना ही इनके बच्चों को खाना मिलेगा। ये फैल्कन दूसरे पक्षियों का शिकार करने से भी पीछे नहीं हटते। इनकी रफ्तार इन्हें आसमान का सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है, और यही कारण है कि ये इसी तेजी से अपने पंजों और दमदार टक्कर की मदद से शिकार करने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद एक और कमाल का शिकार इस हवाई हमलावर के हाथ लग जाता है। ये फैल्कन भले ही कमाल के शिकारी हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्रजाति खतरे की ओर बढ़ रही है। 40 से लेकर 90 के दशक तक ये फैल्कन उत्तरी अमेरिका में लगभग लुप्त हो चुके थे, जिसके बाद ये किसी तरह से बच तो गए, लेकिन इस जलवायु में परिवर्तन से ये नहीं बच पा रहे हैं, जो सबसे बुरी बात है। नंबर 3, ऑस्ट्रिच। दोस्तों, ये पक्षी अफ्रीका के सूखे मैदानों और जंगलों में पाए जाते हैं। ये पक्षी उड़ते तो नहीं हैं, लेकिन इनके पैर और पंजे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये जमीन पर दौड़ने वाले सबसे तेज पक्षी हैं। इस शुतुरमुर्ग का आकार लगभग 3 मीटर और वजन लगभग 100 किलोग्राम से ज्यादा होता है। ये शुतुरमुर्ग इस धरती के सबसे बड़े पक्षी हैं। जब ये दौड़ते हैं तो इनकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और इनके अंडे भी दूसरे पक्षियों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। इनके एक घोंसले में लगभग 50 अंडे मौजूद होते हैं। ये अपने बच्चों की रखवाली करते हैं, जो सिर्फ अपने माता पिता के नज़दीक रहना ही पसंद करते हैं, जिसके कारण ये तेज गर्मी से बचे रहते हैं। शुतुरमुर्ग को अपने बच्चों को सवाना के कई खूंखार शिकारियों से बचाकर रखना होता है। अपने ऊंचे कद और तेज नजरों की मदद से ये बहुत दूर से ही अपने दुश्मनों को देख लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये अपनी तेज रफ्तार की मदद लेने से भी पीछे नहीं हटते। इनके तेज और शक्तिशाली पैर इन्हें बचकर निकलने में मदद करते हैं। इनके पैर एक स्प्रिंग की तरह काम करते हैं, जिसके कारण इन्हें भागने के साथ साथ आगे उछलने में भी मदद मिलती है, जिसके कारण पीछा करने वाले शेर को भी ये आसानी से हरा देते हैं। धरती के सबसे तेज और विशाल इस पक्षियों की 18वीं सदी से इनके पंखों, चमड़ी और अंडों के लिए शिकार किया जा रहा है, और 19वीं सदी के अंत तक इन शुतुरमुर्गों को पाला भी गया, और आज के वर्तमान समय में इनकी कई प्रजातियां मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद इनकी आबादी घट रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण है इनके प्राकृतिक आवास का उजड़ना और शिकार होना, जिसके कारण इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।